नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मुंबई के साकीनाका इलाके में दुष्कर्म की शिकार हुई पीड़िता की शनिवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। 32 साल की रेप पीड़िता का इलाज राजावाड़ी हॉस्पिटल खाटकोपर में चल रहा था। अस्पताल प्रशासन ने भी पीड़िता की मौत की पुष्टि कर दी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। यह वारदात मुंबई के साकीनाका इलाके में हुई थी। यहां खैरानी रोड पर एक 32 वर्षीय महिला के साथ पहले बलात्कार किया गया और रेप के बाद आरोपी ने उसके प्राइवेट पार्ट में ड्रॉप डाल दी। महिला को बहुत गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला की स्थिति काफी गंभीर थी, वह वेंटिलेटर पर थी। शनिवार को मुंबई की मेयर राजावाड़ी अस्पताल में खाटकोपर पहुंची थी और उन्होंने पीड़िता का हाल जाना था। वारदात का फुटेज भी सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि आरोपी ने महिला के साथ रेप के बाद बुरी तरह से मारपीट की। उसने लोहे की रॉड से भी हमला किया। इसके बाद उसने महिला के प्राइवेट पार्ट में कई बार लोहे की रॉड डाली। इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने महिला को टेम्पो में डाला और भाग गया। 15 मिनट बाद वहां से गुजरने वाले किसी शख्स ने महिला को खून से लथपथ बेहोशी की स्थिति में देखा। इसके बाद उसने मुंबई पुलिस को फोन किया। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज आरोपी के खिलाफ काफी अहम सबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN। एफआईआर दाखिल किया। एफआईआर दाखिल करने के बाद सीसीटीवी फुटेज का आधारित और उनकी गोपनीय इंफॉर्मेशन का आधारित में एक आरोपी को अरेस्ट किए थे। आरोपी का नाम है मोहन चौहान, उम्र 45 ईयर्स है और उसका आगे का इन्वेस्टिगेशन चालू है।